मोहम्मद जमाल है और मैं गुलशन इकबाल का रहायश पजीर हूँ। गुज़श्ता चंद माह में जो बिजली के बिलों ने हालत हम लोगों की कर दी थी, तो उसके पेश नज़र हम लोगों ने मेरे यहाँ फादर ने फैसला किया कि भाई ये कड़वा दूध पीते हैं और सोलर की तरफ जा रहे हैं। मेरे पर रैंडमली कॉल आई कॉस्मोस एनर्जी से, कॉल पे कहा कि आप घर पे आएँ, मेरे ऐसा ये करना है कि ऑन ग्रेड लगवाएं या ऑफ ग्रेड लगवाएं। तो हमारे घर में अलहमदिल्ला यहाँ इस इलाके में बिजली नहीं जाती, उन्होंने हमें प्रेफर किया कि आप ऑन ग्रेड लगवाएं। इससे पहले कॉस्मोस एनर्जी से पहले मैंने दो तीन बंदों को और बुलाया था घर पे, उन्होंने मुझे जो उन्होंने कॉस्ट्यूम दी उससे कम कॉस्ट्यूम दी। अलबत्ता अगर मैं इनको छोड़ के मार्केट से कहीं से मैं पैनल परचेज करता, कहीं से मैं वो ऊपर जो गार्ड हाउस सिस्टम होता है जिसके पैनल लगाते हैं वो लगाता, या और मैं इन्वर्टर कहीं और से लेता, कम से कम मैं 2 से 2.5 लाख रुपये बचत हो सकती थी। लेकिन मुझे चाहिए था वन एंड ओवर मूव के एक अगर मिसाल तौर पर कोई मसला आता है तो मैं डायरेक्ट इन्हीं को कॉल करूँगा, वरना क्या होता है कि मैं इन्वर्टर वाले को फ़ोन करूँ कह रहा नहीं भाई पैनल का मसला है, पैनल वाले को फोन नहीं भाई इन्वर्टर का मसला है, कुछ और मसला है। तो मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, अलहमदिल्ला एक ही जगह से सारा काम हुआ। अच्छा, ऑन ग्रेड का लगाने की वजह ये थी कि अलहमदिल्ला वहाँ यहाँ लाइट नहीं जाती, और एक इनकी खास बात यह है कि मैंने घर से बाहर नहीं निकला ऑन ग्रेड के चक्कर के लिए, यही घर पे आए। इन्होंने कि इलेक्ट्रिक हमारा जो लोड था वो 5 kV का था, इन्होंने हमारा लोड भी बढ़वाया, 12 kV का लोड लेकर आए, सारा एप्लीकेशन सारा पेपर वर्किंग सब कुछ खाली बस आते थे साइन करा के चल जाते थे। वो आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए वो चाहिए, बस वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो हमने प्रोवाइड किए घर के लिए पेपर वेपर होते हैं और उसके लिए बढ़वाने के लिए वो सब बस उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए। बाकी मुझे कहीं जाना पड़ा कि दफ्तर के चक्कर नहीं खाने पड़े, सारा काम इन लोगों ने। अच्छा, जब ये आए थे लगाने के लिए हमारे घर पर, मैंने कहा था मुझे छत पूरी अवेल करनी है, क्योंकि एक्चुअली मेरा भाई है हाफिज है और हमारे यहाँ तरावी होती है हर साल, एक तो छत पे इंतजाम होता है। मुझे छत में जरा सी भी रुकावट नहीं चाहिए थी कि बीच में पिलर्स आ रहे हैं, तो मशीन हमने इस तरह एलिवेशन करी। अच्छा, एक मुझे अच्छी बात लगी, ये 2 रोज तक एक बंदा आगे ऊपर छत पे बैठा रहता, मार्किंग करता और दिखता धूप का कहाँ से आ रहा है, दादा क्या फ्लो है क्या, तो उन्होंने प्रॉपर ऐसा कराया। उन्होंने मुझे 25 साल की पैनल की दी है, 10 साल की इन्वर्टर की दी है। अब देखें अल्लाह मालिक है। एक मुझे कंप्लेंट और सबसे अच्छी बात कि आप इनको व्हाट्सएप करो, कॉल करो, फौरन आपको फीडबैक फौरन रिप्लाई जरूर करते हैं आपको। ये आप देखें, पहले मेरे बिल आता था ये 55,000 रुपये का, अब अलहमदिल्ला ये देखें अब गिर के 13,000 रुपये आ गया, क्योंकि मैं अब इनको यूनिट्स रिवर्स करके बेच रहा हूँ के इलेक्ट्रिक को। ये देखें कि मैंने इस महीने इनको 429 यूनिट बेचे, 28 रुपये के हिसाब से मैंने उनको 12,000 रुपये। वैसे फ़र्क इसलिए भी आया कि वो पुराना बिल था गर्मियों का था, उसमें एसी चले थे, अब एसी बंद हो गए हैं, अब इंशाल्लाह अगले महीने और कम होगा, और मेरे यहाँ तक अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जनवरी फेब तक ये 0 पे आ जाएगा। सर ये देखें, ये एप्लीकेशन है, ये अभी तक इसने 35 यूनिट जनरेट करे, गर्मी में मेरे पास ये 53 यूनिट तक गए हैं, ये 10 kW का मेरे पास लगा हुआ है सिस्टम, 53 यूनिट तक मैक्सिमम इसने जनरेट किया है। इसमें हम पूरे मंथ का निकाल सकते हैं, साल का निकाल सकते हैं,